नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस। व्हाट इज प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस, और हम लोग उसको बजट भी बोल सकते हैं। जैसे भी कोई टेंडर अवार्ड होता है, टेंडर अवार्ड होने के बाद जो एग्जीक्यूशन टीम का हेड रहता है या फिर प्रोजेक्ट इंचार्ज रहता है, वो उसका एक प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस या फिर बजट बनाता है। वो बजट क्या रहता है या फिर PCA क्या रहता है, उसके बारे में आज डिटेल देखेंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस और PCA, इसको हम प्रोजेक्ट बजट भी बोलते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस क्या है? ये प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस ये प्रोजेक्ट का बजट है। जैसे ही कोई टेंडर अवार्ड होता है, टेंडर अवार्ड होने के बाद कोई भी एग्जीक्यूशन टीम का जो हेड रहता है या फिर प्रोजेक्ट इंचार्ज रहता है, वो टेंडर का एक टोटल बजट बनाता है या फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस बनाता है, जो एक टाइप का मतलब एक बेसलाइन है। प्रोजेक्ट का बेसलाइन कॉस्ट है जो अलग अलग स्टेज में, एग्जीक्यूशन स्टेज में उसको मॉनिटर या फिर चेक करना पड़ता है। और ये PCA, इसको बजट भी बोल सकते हैं। जब PCA बनाते हैं तो PCA बनाते समय जो भी इंजीनियरिंग जजमेंट या फिर उसका एक्सपीरियंस, उसके साथ ही कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स का भी यूज़ किया जाता है, ताकि वो कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिट एवरेबिलिटी में वॉच रख सके या फिर उस पर ध्यान रख सके। वही PCA कैसे करते हैं? जो भी BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी के आइटम्स रेट है, उसका एक वर्केबल रेट, जैसे कि वर्केबल मतलब वो आइटम एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जैक्ट कितना रेट आता है, जैसे कि लेबर, मटेरियल, मैन पावर, मशीनरी और अदरसम, ये पूरा इकट्ठा करके उसका एक वर्केबल रेट आता है। तो वो वर्केबल रेट डिराइव करते हैं, और ये वर्केबल रेट पर यूनिट कॉस्ट मतलब जो भी आपका BOQ है उसके हिसाब से निकालते हैं, और वो वर्केबल कॉस्ट वर्केबल रेट से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके वर्केबल अमाउंट निकालते हैं। ये टोटल कॉस्ट जो भी रहेगा प्रोजेक्ट का, टोटल कॉस्ट ये टोटल जो भी प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज मतलब क्वांटिटी जो भी टोटल क्वांटिटीज है उसको करस्पॉन्डिंग यूनिट कॉस्ट जो भी यूनिट रेट है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में टोटल कॉस्ट आता है। अब ये डिफरेंस, जो डिफरेंस रहता है कॉस्ट मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या फिर ये रहता है उसमें, और ये प्रोजेक्ट कॉस्ट में अभी जो हमने वर्केबल और ये सब किया, ये टोटल का डिफरेंस जैसे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और ये कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग मार्जिन या फिर प्रॉफिट बोलते हैं। अभी इधर एक फ्लो चार्ट है जस्ट आप आइडिया देख लीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, इसके बाद में कॉस्ट है, एक कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी डायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन सा है? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट और सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट। मतलब ये जो भी आइटम है एग्जीक्यूट होने के लिए, ये डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या खर्च आता है ये पूरा डिटेल इसमें है। इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या है? प्रोजेक्ट ओवरहेड्स और जनरल ओवरहेड्स। अभी ये ओवरहेड्स में टोटल क्या क्या आता है, जैसे साइट एस्टेब्लिशमेंट का कॉस्ट हो गया, मोबिलाइजेशन कॉस्ट हो गया, फिर क्लाइंट फैसिलिटी हो गया, लेबर PF हो गया, इंश्योरेंस कॉस्ट हो गया, सेफ्टी कॉस्ट हो गया, ये टोटल अलग टाइप के सारे कॉस्ट आते हैं। अभी PCA के बारे में हम जानेंगे। PCA एक टोटली क्वांटिटेबल और मेजरेबल, मतलब उसमें क्वांटिफाई होना चाहिए और पूरा मेजरमेंट ठीक से लेने आना चाहिए। और ये PCA प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले मतलब फिक्स करते हैं, टेंडर अवार्ड होने के बाद में और प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले जो भी प्रोजेक्ट इंचार्ज है वो फिक्स करते हैं या फिर उसको फाइनल करते हैं। और जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उसके लिए। और ये PCA में हायर चार्जेस, मशीनरी चार्जेस है एकदम प्रॉपरली लेना पड़ता है।
और पीसीए वर्सेस एक्चुअल, जैसे पीसीए अभी एक बार बन गया, उसके बाद जब एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो एग्जीक्यूशन के टाइम में कुछ डिफरेंसेस आ गए, कुछ कॉस्ट में वेरिएशन आ गया, तो उसमें हर टाइम टू टाइम मॉनिटर करना ज़रूरी है। जैसे भी पीसीए वर्सेस एक्चुअल, जैसे जो बजटेड कॉस्ट है वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट, जैसे स्टेज वाइज होता रहेगा, उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ता है। और अगर कुछ डेविएशन है प्रोजेक्ट में, जैसे क्वांटिटी वेरिएशन है, कुछ आइटम्स एक्स्ट्रा है, कुछ आइटम डिलीट है, इसका पूरा जो भी डेविएशन आता है, वो डेविएशन, कुछ डेविएशन है अगर क्वांटिटी में चेंजेस है, तो उसके हिसाब से वो क्लाइंट से अप्रूव करके लेना है, करेक्ट करके लेना, या फिर कुछ रेट्स वगैरह है चेंज है तो रेट्स अप्रूव करके लेना, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। पीसीए वर्सेस एक्चुअल, हर महीने कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट और लॉस जो भी स्टेटमेंट है वो रेडी करना आ जाए, जैसे वो उसका पैकेज में एंट्री डाटा एंट्री में जो भी सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से एंट्री करना पड़ता है और उसको पीसीए से टैली करना है। अभी जो क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर है किसी पर्टिकुलर आइटम्स या फिर पर्टिकुलर हेड के बारे में, ये उसके हिसाब से अकाउंट टू अकाउंट वो चेक करना है, मतलब उसके हिसाब से एक्चुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में जो डिफरेंस है, जो प्रोपोर्शनल पीसीए और एक्चुअल, मतलब एक्चुअल जो पीसीए हमने तैयार किया प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले और प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद में एक्चुअल में जो आ रहा है, इसमें जो भी डिफरेंस है या फिर वेरियंस है, वो अलग अलग हेड से उसको हाईलाइट करना या फिर वो उसको रिकॉर्ड करके रखना है। ये वेरियंस या फिर जो भी डिफरेंस है, ये वो एरियाज हाईलाइट करता है कि जहाँ एक्सपेंडिचर या फिर जो भी खर्चा वगैरह है वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब पीसीए में हमने जो कंसीडर किया उससे यहाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। डेविएशन, अभी ये डेविएशन क्या है, ये प्रोजेक्ट इंचार्ज जो भी रहता है या फिर साइट इंचार्ज, वो पीसीए में जो भी रेट्स या फिर क्वांटिटी है उसके हिसाब से ही सारे वर्क ऑर्डर वगैरह वो प्लेस करते हैं, उसके हिसाब से ही उसको कोटेशन या फिर जो भी वर्क ऑर्डर फाइनल करना उसी हिसाब से करना पड़ता है। अगर कुछ रेट्स और क्वांटिटीज एक्सीड हो रहे हैं एक्चुअल, मतलब अप्रूव पीसीए के हिसाब से, तो वो प्रोजेक्ट इंचार्ज को जो भी उसका एक अप्रूवल लेना पड़ता है, जो भी प्रपोजल डेविएशन के लिए जो भी एक्शन लेना, उसके पहले वो उसका डेविएशन का एक चेंजेस का हेड ऑफिस से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब अगर प्रोजेक्ट इंचार्ज इस कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव डेविएशन, अगर डेविएशन के साथ इसको एग्जीक्यूट करना है तो उसको एग्जीक्यूशन करते समय एक हेड ऑफिस के अथॉरिटी जो भी है उसे सैंक्शन देना पड़ता है, ताकि आप वो इतना एक्स्ट्रा आइटम्स या फिर एक्स्ट्रा रेट में आप जो भी काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको जो भी एक्सपेंडिचर है वो कम रहेगा ज़्यादा रहेगा या फिर उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा वो उसको एश्योर करके देना पड़ता है। पीसीए मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल प्रोजेक्ट इंचार्ज, जैसे प्रोजेक्ट इंचार्ज है वो होल एंड सोल जस्ट लाइक ओनर ऑफ प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट का जो भी कॉस्ट है वो पूरा वही प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट इंचार्ज कंट्रोल करता है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो भी रहेगा उसको मेनली साइट जो भी एक्टिविटी चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अभी जो साइट के जो इंटरनल रिपोर्टिंग रहता है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर को जो भी वेरियंसेस है, कुछ भी चेंजेस है, तो डे टू डे प्लानिंग करना है, मॉनिटरिंग करना है, इसके लिए सर प्रोजेक्ट मैनेजर को डे टू डे रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है, उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूशन में जो भी चल रहा है उसका प्रॉपरली मॉनिटरिंग करना और पीसीए के साथ साथ उसको चेक करना, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। साइट अकाउंटेंट जो भी रहता है, साइट का अकाउंटेंट है, वो पीसीए वर्सेस एक्चुअल डाटा जो भी एक्चुअल कॉस्ट एनालिसिस उसका एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके लिए वो अप्रूव्ड पीसीए का एक बेस मानते हैं,
उसके हिसाब से वो एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उसमें कम्युनिटी एक्सपेंडिचर या फिर जो भी वित्त खर्चा है वो मेंशन करते हैं। अभी साइट के जो अकाउंटेंट्स रहते हैं, जो भी अकाउंटेंट वगैरह रहते हैं, वो मेनली पीसीए वर्सेस एक्चुअल स्टेटमेंट का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टीम या फिर प्रोजेक्ट इंचार्ज से डिस्कस करते हैं और उसमें कुछ वेरिएशन है या फिर चेंजेस है तो उसको नोट करके उसको फर्दर मंथली मीटिंग में उसको रेज करते हैं या फिर उस पर क्या क्या एक्शन लेना है वो भी सजेस्ट करते हैं। अभी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो मेनली इसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जो भी डेविएशन है, चेंज इन रेट्स, चेंज इन क्वान्टिटीज, वॉट एवर, तो उसको इसके ऊपर जो भी पॉजिटिव एक्शन लेना है या फिर मैनेजमेंट हायर मैनेजमेंट से डिस्कस करना है और वो डेविएशन के ऊपर कंट्रोल करना है, पूरा प्रोजेक्ट मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। अभी इसमें परचेस एंड सेल्स या परचेस मैनेजमेंट, परचेसर जो रहता है, परचेस डिपार्टमेंट, रिक्विजिशन जो भी देते हैं, इसमें पूरा पीसी का ही क्वांटिटी इनटू कंसीडर करना है। पीसी में जो भी क्वांटिटी है उसके हिसाब से ही उनको क्वांटिटीज कंसीडर करना है और मटेरियल रिसिप्ट, बैलेंस अपडेट, इंडेंट जो भी हो प्रोजेक्ट में जैसा चलता रहेगा, कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल परचेस करना है, कितना का इंडेंट है, उसका पूरा डाटा रेडी करना है और पीसी के क्वांटिटी के हिसाब से ही उसको ये सब डाटा प्रिपेयर करना रहता है। अभी अप्रूव्ड कॉपी ऑफ पीसी जो भी रहता है, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वो जो कॉपी बनता है, अप्रूव्ड कॉपी ऑफ पीसी ये ऑडिटर को भी दिखाना पड़ता है। अगर कुछ डेविएशन है क्वांटिटी में, रेट में, तो उसका डेविएशन का एक अप्रूवल जो भी रहता है वो अपने हेड ऑफिस के जो भी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग जो भी रहेगा सीओसी, उसके हिसाब से एक अप्रूवल लेटर या फिर अप्रूवल कॉपी लेनी पड़ती है जो ऑडिटर के लिए लगती है। अभी जब साइट में जब एग्जीक्यूशन शुरू रहता है तो जो पीसी के हिसाब से अगर उसमें प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है या फिर लॉस प्रॉफिट अपना मार्जिन जो है वो मार्जिन मेंटेन नहीं हो रहा है या फिर कुछ लॉस होने का चांसेस है तो उस साइट को पूरा एकदम बैलेंस कॉस्ट टू कंप्लीट स्टेटमेंट बनाना पड़ता है कि वो उसमें अगर वो कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं या इसमें वो कवर अप कर सकते हैं क्या, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट तैयार करके वो ऑडिटर को दिखाना पड़ता है। अभी कोई साइट अगर लॉस में है तो अगर वो लॉस में है तो वो साइट वालों को कंपल्सरीली वो जो फ्यूचर लॉसेस जो मैंडेटरी है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी शो करना ज़रूरी है। उसके साथ ही उनको कुछ डिटेल्स देना रहता है जैसे एक्चुअल ट्रेंडेड पीसीए में कितना हुआ, एक्चुअल कितना हुआ, डेविएशन कितना है, क्यों इतना लॉस हुआ या फिर क्यों इतना डिफरेंसेस है और इसमें बैलेंस कॉस्ट ऑफ कंप्लीट कितना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, अगर अभी लॉस है लेकिन कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में उसको कवर अप कर सकते हैं तो कितना मार्जिन तक हम प्रॉफिट ला सकते हैं, वो भी उसका एक डाटा मेंटेन करना ज़रूरी है। एरियाज टू कॉन्सेंट्रेट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब एग्जीक्यूशन करते समय कौन कौन से एरिया पे ध्यान देना है। सबसे पहले सबमिशन ऑफ आर ए बिल्स, जो भी आर ए बिल्स है वो एकदम टाइमली सबमिट करना है, उसके साथ एक एस्केलेशन का बिल भी टाइमली सबमिट करना है और इसके बाद में मटेरियल इंडेंट जो भी है वो एज पर एग्जीक्यूशन शेड्यूल जो भी प्लान किया हुआ है उसके हिसाब से ही सबमिट करना है। उसके साथ ही उसको मेनली क्लाइंट के लिए भी सबमिट करना पड़ता है। तो कोई भी वर्क ऑर्डर देने से पहले तो पूरा आइटम रेट बेस्ड एनालिसिस या फिर आइटम जो भी रेट एक्चुअल कितना वर्कआउट होता है उसका एनालाइज करना ज़रूरी है, उसके बाद ही उसको रेट फाइनल करना है और उसके बाद में वर्क ऑर्डर प्लेस करना है और वो पीसी के हिसाब से नहीं करना है।
क्योंकि एक्चुअल में आप वो जिस समय काम करते हो उस समय आपको एग्जैक्ट कितना रेट आता है उसको वर्कआउट करना है, उसको ऑर्डर प्लेस करना है और बाद में उसको पीसीए से टैली करना है। अब ये ध्यान में रखना है कि पीसीए का रेट वो आपने जो ऑर्डर भी प्लेस करा है उससे ज़्यादा होना चाहिए। अभी रेट एनालिसिस के हिसाब से बेस किया तो ये जो यूनिफॉर्म मार्जिन रहता है हर आइटम व्यू के आइटम में जो रहता है फिक्स रहता है, जनरली पीसी में हमने कंसिडर किया रहता है, तो वो एग्जीक्यूशन करने के बाद भी उसको मेंटेन करना वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे एग्जीक्यूशन करते समय वो जो मार्जिन या फिर प्रॉफिट है वो आइटम्स के ऊपर जो भी है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और पेमेंट ऑफ इशू ऑफ मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे क्लाइंट की तरफ से कभी कभी इसको कॉन्ट्रैक्टर्स को मटेरियल इशू किया जाता है तो उसका पेमेंट उसको भी मॉनिटर करना ज़रूरी है। और इसमें जो भी मटेरियल इशू किया है वो और वर्क डन कितना हुआ है उसका रिकंसलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिकंसलेशन से ही आपका वो डाटा जो भी है उसका आइडिया आता है। अभी ओवरस्टे कॉस्ट में क्या क्या है, इंक्रीज टू साइट ओवरहेड्स, मशीनरी आइडल कॉस्ट, कभी कभी कुछ एक्टिविटी ना होने की वजह से मशीनरी आइडल भी रहती है। उसके बाद है परफॉर्मेंस गैप, बैंक गारंटी कॉस्ट, उसके बाद है इंश्योरेंस कॉस्ट, फिर एस्केलेशन ऑन मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद नो पेमेंट ऑन एस्केलेशन फ्रॉम क्लाइंट फॉर ओवरस्टे पीरियड, उसके बाद है ब्लॉकेज ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट और रिटेंशन मनी, टाइमली सिक्योरिटी डिपॉजिट और रिटेंशन मनी नहीं दिया तो रिस्क ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेडी, मतलब लिक्विडिटी डैमेजेस, कोई भी एक्टिविटीज अगर कहीं डिले हो गई या फिर कुछ लेट हो गया तो क्लाइंट कभी कभी लिक्विडिटी डैमेजेस के चार्जेस या फिर फाइन लगाते हैं। रिस्क ऑफ लैप्स ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी, अगर सप्लायर्स ने किसी ने अगर परफॉर्मेंस गारंटी दी है तो उसका लैप्स होने का कभी कभी चांसेस रहता है। और अगर प्रोजेक्ट का आपका शुरू होने के बाद में अगर निगेटिव कैश फ्लो हुआ तो भी एक वो एक प्रॉब्लम रहता है। और अगर फर्दर डिले इन अकाउंट ड्यू टू निगेटिव कैश फ्लो, निगेटिव कैश होने की वजह से या मार्जिन या फिर प्रॉफिट नहीं रहता, लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।